एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद हंसु। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप रॉ पपाया की हेल्प से अपने फेस के अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स लेडीज में पाई जाती हैं जिन्हें रिमूव करवाने के लिए उन्हें वैक्सिंग, थ्रेडिंग या कई बार बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट होता है अगेन उनकी रीग्रोथ हो जाती है। और अगर आप इसे अपने फेस से परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। पपीता में पपाइन पाया जाता है, जिसका फेस पैक लगाने से हमारी वो स्किन में डीपली जाकर जो हमारे बालों के रोम छिद्र होते हैं उन्हें बड़ा कर देता है, जिससे हमारे बाल जो है बिल्कुल वीक हो जाते हैं और वो अपने आप ही गिरने लगते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस किस को इसे नहीं यूज़ करना है। कैरोटीन के पेशेंट, जो भी कैरोटीन के पेशेंट होंगे वो प्लीज इसे ना यूज करें, क्योंकि इसे यूज करने से उनके फेस पे रेडिश मार्क या किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो प्लीज आप इसे ना यूज करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम रॉ पपाया का पेस्ट बनाएंगे। हमने लिया है कच्चा पपीता, अब इसे हम छील लेंगे। अब मैंने इसे छील लिया है, छीलने के बाद इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। जितना आपको जरूरत हो आप उतना ही काटें, अपने अनुसार ही जितना आप लगा लें। मैंने इतना लिया है, इतना मेरे फेस पे हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही कच्चा है। आपको ऐसे ही बिल्कुल कच्चा पपीता लेना है। इनके सीड्स को हम अलग कर लेंगे। अब इनको पीसेस में हम कट कर लेंगे। मैंने इनके पीसेस को कट कर लिया है। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे हाफ स्पून टर्मरिक। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम अपने फेस पर अब लगाएंगे। हमारा ये मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद हमारा पेस्ट इसी तरह बन जाएगा। अब इसे मैं मेरा फेस पैक रेडी है। अब मैं इसे आपको लगा के अपने फेस पे दिखाऊंगी। अपने इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद ही अपने फेस पे इसे लगाना है। आप इसे वीकली 2 से 3 बारी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू इसे यूज करने से आपके फेस पे जो भी अनचाहे से बाल होंगे, जहां से आप अपने बालों को हटाना चाहते हैं उन्हें लगा सकते हैं, फिर वो आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। इंस्टेंट आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट आप इसे अगर कंटिन्यू यूज करेंगे तो फिर आपके फेस पे ये सारे बाल रिमूव हो जाएंगे, आपको इसका असर दिख जाएगा। 1 मंथ में आपको इसका असर दिखने लगेगा। आपके बाल जहां पे होंगे आपके फेस पे, आपने वहां पे इसकी थिक लेयर लगानी है। मैं इसे अपने पूरे फेस पर अपने लगा ले रही हूं। आप में जहां पे आपको लगाना होगा आप वहां पे लगा सकते हो। इन्हें लगाने के बाद हमें अपने फेस पे 5 से 7 मिनट तक मसाज करने हैं, उसके बाद अपने फेस पर इन्हें छोड़ देना है हाफ आवर के लिए। उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेंगे।
अभी मैंने इसे अपने फेस पर लगा लिया है। अभी मैं थोड़ी देर इसे 5-7 मिनट के लिए अपने फेस पर इसे मसाज करूंगी, जिससे जो है ये अच्छी तरह हमारे फेस पर मिल जाए। इसे लगाने के बाद हमारे फेस पर हल्का सा येलोश सा कलर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें हल्दी मिक्स किया है इसकी वजह से ऐसा होगा। बट कोई नहीं, जब हम उसे 2-3 घंटे बाद साबुन से वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा। आपने इसी तरह मसाज से ऐसे कर लेना है। मसाज करने के बाद हाफ आवर के लिए इसे हम अपने फेस पर छोड़ देंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले इन फ्यूचर में वो आपके पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पर देखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।